मेरा नाम मोहम्मद अवैस है। हम लोग इस वक्त डिस्ट्रिक्ट थपाकर की तहसील नगर पाकर में खड़े हैं और उसका गांव है रविंद्र रो। और ये गांव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो तहसील है मिठी, वहां से 300 किलोमीटर के फासले पर है। और जो यहां पे सर्विस रोड है नगर पाकर का, वहां से ये गांव अराउंड 50 किलोमीटर की मुसाफत पर है। यहाँ पे हम लोग आए हैं एक समरसेबल पंप और एक वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन के लिए, और हमें इसके लिए हमारे साथ तावन किया था हमारे एक पाकिस्तान वाटर पार्टनरशिप की एक फाइनेंशियल पार्टनर है, सोशल एक्टिविस्ट है, उनका ताल्लुक लाहौर से है, डॉक्टर नीलम हुसैन। उनके तावन से हम इससे पहले भी छाछड़ के अंदर और नगर पालिका के अंदर वाटर टैंक और समरसेबल पंप जो है वो इंस्टॉलेशन उसकी हम लोग कर चुके हैं। तो इस दफ़ा हम लोग नगर पालिका के रविनेरो गांव में खड़े हैं। कमर का नाम कमरुद्दीन है, थोड़ा बताइएगा जी। अब ये गांव का नाम है वर्नारियो। इस गांव की जो पॉपुलेशन है वो 4000 है, और इसमें हाउस होल्ड 150 हाउस होल्ड है, और लाइव स्टॉक इसमें वो 3 से 4000 इतना ही उनका जो लाइव स्टॉक है। ठीक है, पहले के लोग क्या करते थे, ये आपको सामने कुएं पे डोल नज़र आ रहा है, ये डोल के जरिए लोग खींच के पानी निकालते थे। जिनके पास अपने खोते होते थे खोतों के जरिए, वरना लोग खुद खींच के निकालते थे। बहुत बड़ा मुश्किल प्रोसेस था, उसके लोगों का सारा दिन पानी निकालने पे चला जाता था, बजाय दूसरा काम करने के सारा दिन वो पीने का पानी लेने में ही मसरूफ रहते थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस कुएँ पर अब समरसेबल मोटर इंस्टॉल की है, वो कुएँ के एंड पे जाके फिट होगी, वहाँ से हमने पाइप कनेक्ट किया, उसको इलेक्ट्रिसिटी का हम कनेक्शन देंगे, उससे ये ऑपरेट होगा और फिर पानी आके ये जो टैंक बन रही है इस टैंक में स्टोर होगा। और वो जो गधे के जरिए दूर तक जाना और वहाँ से रस्सी जो पड़ी है दूर तक, एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे गधा जाकर और वहाँ से वापस आता था, और एक सिर्फ इस डोल में जो है वो पानी आता था। और एक कैसे इससे पहले कैसे हुआ था, पहले ये डोल नीचे जाता था और फिर लोग इसको मैन्युअली खींचते थे। ये पानी को ऊपर ला रहे हैं गधे के जरिए डोलू पानी, और ये पानी को उसके डाल दें। अब ये दोबारा डोल को इसके अंदर गिराएंगे, और ये सारा जो रस्सी है ये भी साथ साथ अंदर जा रही है, और सारी जो भट्टी को भी इस कुएँ के अंदर लेकर जा रही है। और ये बहुत पुराना तरीका है, देखें डोल वापस जा रहा है, मिट्टी को साफ किए साफ पानी में अंदर जा रहा है। ये दोबारा से रस्सी को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे गधों के साथ, तो आप फिर रस्सी को कनेक्ट कर रहे हैं। दोबारा से ये प्रोसीजर होगा। ये यहाँ पे लोगों ने, यहाँ पे ये जानवरों के लिए लोगों ने खुद ही बना के रखे हैं। ये जानवर का जो यहाँ से पानी होता है वो जानवरों के लिए स्टोर होता है, फिर यहाँ से जानवर पीते हैं। एक इस तरफ ये टैंक बना हुआ है, अगर आप दिखा सकें कि यहाँ से पानी जो है वो लेफ्ट होकर किस पे जाएगा। ये पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे ये स्टोर होता है, ये फिर यहाँ का ये इनका जो लाइव स्टॉक है उनके लिए पानी के लिए टैंक बनाए हुए। बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर नीलम हुसैन के, जिन्होंने ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट किया, पहले भी 2-4 प्रोजेक्ट किए, अभी 2 इनके प्रोजेक्ट किए, तो बहुत सारे लोगों का इनका फ़ायदा हुआ है, इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं।